आज की इस वीडियो में हम लोग एक त्रिभुज के बारे में सभी प्रकार की जानकारी सीखने वाले हैं, जैसे त्रिभुज क्या होता है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या फिर त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, आदि सभी प्रकार की जानकारी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि हम लोग त्रिभुज के बारे में पूरे डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। देखिए, हम लोग परिभाषा भी लिख चुके हैं यहाँ पे। परिभाषा क्या कहता है? तीन सीधी रेखाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अगर आप इस परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ तीन सीधी रेखाओं की बात की गई है, यानी कि जब हम तीन सीधी रेखाओं से एक घिरी बंद आकृति बनाएंगे तो वह त्रिभुज कहलाती है। अब यहाँ जो फिगर बनाया गया है उसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले फिगर में यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तीन सीधी रेखा तो है लेकिन ये घिरी आकृति नहीं है, यानी कि यह खुला है, यहाँ ये दोनों टच नहीं है, इसका मतलब यह त्रिभुज नहीं है। फिर इस पे बात कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ से यहाँ तक सीधी है, यहाँ भी सीधी है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, इस भुजा में यहाँ से यहाँ तक देखिए अलग भुजा है, फिर यहाँ से यहाँ अलग भुजा है, इसका मतलब इसमें टोटल चार भुजा हो जाते हैं, इसके लिए यह त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज में मात्र तीन भुजा होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें देखिए यहाँ तो दो भुजाएं सीधी है लेकिन तीसरी भुजा देखिए यह टेढ़ी है, यानी कि कर्व है, तो इसका मतलब यह त्रिभुज नहीं कहलाएगा क्योंकि यह टेढ़ी भुजा है। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें सारी भुजाएं सीधी भी हैं और तीन भुजाएं हैं और तीनों एक दूसरे से बंद भी हैं, इसका मतलब यह एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं। कंडीशन क्या था कि तीन सीधी रेखाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब चलिए लोग त्रिभुज के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानेंगे, यानी कि त्रिभुज के कुछ भाग होते हैं उन्हें उनके नाम से हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक त्रिभुज के भाग कुछ इस प्रकार होते हैं। यह एक त्रिभुज है, देखिए यहाँ जब दो भुजाएं आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो यहाँ जो पॉइंट बन रहा है, ये जो पॉइंट बन रहा है ये शीर्ष कहलाता है। तो इस प्रकार एक त्रिभुज में टोटल तीन शीर्ष होते हैं, देखिए एक शीर्ष, दो शीर्ष और तीन शीर्ष। इसी प्रकार एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, देखिए ए बी, बी सी और फिर यहाँ से सी ए, टोटल तीन भुजाएं हैं। और फिर इसी प्रकार एक त्रिभुज में तीन प्रकार के कोण होते हैं, देखिए ये जो बन रहा है यहाँ कोण कहलाता है। तो टोटल तीन कोण होते हैं, यहाँ एक कोण हो गया, फिर यहाँ भी एक कोण हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ भी एक कोण हो जाएगा, टोटल एक दो तीन कोण हो जाएंगे। तो एक त्रिभुज में क्या देख चुके हैं, एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होती हैं, तीन कोण होते हैं, और जब हम इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे, यानी कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों को जोड़ेंगे, देखिए एक दो और यहाँ तीसरा कोण बन रहा है, जब इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री टोटल इसका जोगफल मिलेगा, यानी कि तीनों कोणों का जो जोग होता है वो 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज में। तो हम लोग एक त्रिभुज के बारे में सारी जानकारियाँ सीख चुके हैं। अब हम लोग त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसे समझेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे त्रिभुज के प्रकार, यानी कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, त्रिभुज को जो बांटा गया है वो दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है भुजा की लंबाई के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा जो कैटेगरी है वो है कोण के आधार पर। तो हम लोग दूसरा कैटेगरी को कोण के आधार पर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम लोग भुजा के आधार पर जो बांटा गया है उसे समझेंगे। तो भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज को तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज कहते हैं, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज है, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज है। तीनों का नाम का अर्थ समझिए। सम मतलब देखिए, यहाँ समबाहु में देखिए सम मतलब होता है बराबर, और बाहु मतलब भुजा। समबाहु मतलब बराबर भुजा वाले, यानी कि जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसकी भी लंबाई और इसकी भी लंबाई तीनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन जब समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है, देखिए यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है लेकिन यह भुजा इन दोनों से बड़ी है, यानी कि अलग साइज की है। तो इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। इसी कैटेगरी में है विषमबाहु त्रिभुज। इसमें देखिए, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, यानी कि एक भी भुजा बराबर नहीं है। इसमें यह सबसे बड़ी भुजा है, इसके बाद यह इसके बाद की छोटी भुजा, और सबसे छोटी भुजा देखिए ये वाली है। तो इसका मतलब है इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। तो इस प्रकार भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिए, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज को कैसे बांटा गया है। तो अब हम लोग दूसरी कैटेगरी को देखेंगे जिसमें एक त्रिभुज को कोण के आधार पर बांटा जाता है। देखिए, तो हमारी दूसरी कैटेगरी इस प्रकार होता है। इसमें भी एक त्रिभुज को तीन प्रकार में बांटा जाता है।
तो इसमें देखिए पहली प्रकार की जो त्रिभुज होती है वो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाती है। तो सबसे पहले आप समझिए न्यूनकोण क्या होते हैं। देखिए वैसे कोण जिसका जो मान होता है वो 0 डिग्री से अधिक हो, मान लीजिए कोण थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, तो ये जो थीटा कोण है वो न्यूनकोण कहलाएगा। इसका सीधा मतलब है कि वैसे कोण जो 0 डिग्री से बड़ी हो लेकिन 90 डिग्री से छोटी हो वो न्यूनकोण कहलाती है। तो न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? देखिए एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, इन तीनों कोणों का मान जब न्यूनकोण हो यानी कि इन तीनों कोणों का मान न्यूनकोण हो तो वह न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएंगे। जैसे न्यूनकोण किसे कहते हैं हम समझ चुके हैं कि जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। मान लीजिए यह कोण 60 डिग्री का है, ध्यान दीजिए 90 डिग्री से कम है। मान लीजिए यह कोण 70 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री से कम है। और मान लीजिए यह कोण 50 डिग्री का है। तो ये जो कोण बन रहे हैं सारे 90 डिग्री से कम बन रहे हैं, इसलिए यह त्रिभुज जो है न्यूनकोण त्रिभुज कहलाती है। तो न्यूनकोण त्रिभुज होने के लिए क्या शर्त है? कि एक त्रिभुज के तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, तब वह त्रिभुज जो है वो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएंगे। अब दूसरी कैटेगरी में देखते हैं, यह होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कम से कम एक कोण जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अब यहाँ देखिए इस त्रिभुज में यह जो कोण है वो 90 डिग्री का है, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। कैसे है? जब एक दूसरे पर यह परपेंडिकुलर हो यानी कि लंब हो तो यहाँ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। और एक त्रिभुज में कम से कम एक कोण जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तब यह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसी प्रकार हम लोग अधिकोण त्रिभुज की बात करेंगे। तो अधिकोण त्रिभुज का क्या शर्त है? कि कम से कम एक कोण, यहाँ देखिए एक कोण अधिकोण है। अधिकोण क्या होता है? इसका वैल्यू वैसे कोण जिसका वैल्यू 90 डिग्री से अधिक हो, मान लीजिए कोई थीटा कोण है तो 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से इसका मान कम होना चाहिए, तब यह कोण जो है थीटा वो अधिकोण कहलाएगा। जब अधिकोण त्रिभुज क्या हो जाएंगे? जब किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। मान लीजिए इस कोण की मान 140 डिग्री है, इसका मतलब यह जो कोण है वो अधिकोण है, इसलिए यह त्रिभुज जो है अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। फिर से आपको याद दिला दें, न्यूनकोण त्रिभुज में क्या था कि तीनों कोण न्यूनकोण होने चाहिए, समकोण में क्या है कि एक कोण कम से कम समकोण होना चाहिए, अधिकोण में क्या है कम से कम एक कोण अधिकोण होना चाहिए, तब त्रिभुज की सारी शर्तें पूरा करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको त्रिभुज के इस प्रकार समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग आज का यह वीडियो यही खत्म करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।